हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग हमसे ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कोबरा इवेंट में जो आया है कोबरा वाला बंडल, वो हमारे कितने डायमंड में निकलेगा। और वो हमें ये भी बता रहे हैं कि 500 डायमंड में हो जाएगा। अब यार देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि 500 डायमंड में हो जाएगा, वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो हैं वो आपको फेक दिखाने के लिए आपको यूट्यूब पर बता देते हैं कि 500 डायमंड में और 1000 डायमंड में निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी इस वीडियो में इसका सारा प्रूफ दूंगा। मैं खुद अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा, निकाल करके दिखाऊंगा। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो निकालने की बात है, और मेरा कितना डायमंड लगा है वो सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो, इस वीडियो के साथ आप बने रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना गाइस कि इससे पहले 500 डायमंड मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसके अंदर में, और मुझे 2 फिस्ट निकल चुका है, तो मैं तीसरे फिस्ट निकालने से आगे दिखाने वाला हूँ। चलो, तीसरे बॉक्स से मैं स्पिन करता हूँ, आपको साथ में वहाँ पे दिखाता हूँ कि तीसरे बॉक्स के बाद हमें कितना डायमंड देना पड़ेगा और कितने डायमंड के बाद निकलेगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने डायमंड्स में ये जो है वो निकलने वाले हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने गेम के ऊपर और वहाँ पे जा कर के अपना खुद का स्पिन मारते हैं। जिससे हम उसे रिडीम कर पाएंगे। सो फाइनली ये हमारा बॉक्स निकल चुका है, अब हमारे पास 5 वो हो गया है। अब हम उस रिडीम करेंगे उस बंडल को। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल मेरा 4000 डायमंड था, और 4000 डायमंड में से हमारा 2200 बच रहा है, यानी कि बाकी का 1800 लग गया है।
और 1800 और 500 मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि 2300 डायमंड जो है वो हमारा इसमें लग गए हैं और 2300 डायमंड में हमारा ये निकल चुका है। तो अगर आप इसमें स्पिन करने का सोच रहे हैं तो आप 2300 से 2500 डायमंड का एस्टिमेट ले के चलें। अगर हो सकता है आप बीच में निकालना चाहें, 1500 डायमंड खर्च कर देंगे और एक बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, चार बॉक्स मिल जाएगा, तो आपको ऐसे में अजीब गरीब का महसूस फीलिंग्स होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 2300 डायमंड है तभी आप स्पिन करना, वरना मत करना, क्योंकि चार बॉक्स लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, पांचवा बॉक्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और एक गाइस, अगर आपको लगता होगा कि यहाँ से 2000 या 3000 डायमंड हम कहाँ से लाएँ, तो आज की मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपको फ्री में डायमंड और फ्री में रिडीम कोड कैसे लेना है फ्री फायर के अंदर में। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और एक आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिखेगा वो वेबसाइट का, वहाँ पर जा कर के आप उसे पढ़ लेना, देख लेना कैसे आपको फ्री में बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग गया है कि टोटल 2300 डायमंड जो है वो लगने वाले हैं इसमें। और बहुत सारे लोग वन स्पिन ट्रिक आप सबको ऐसे ही सिखा देते हैं कि वन स्पिन ट्रिक में ये निकल जाएगा, नहीं मैं भी लाता हूँ, लेकिन वो वन स्पिन ट्रिक लाइक रहता है तभी लाता हूँ, ऐसे मैं नहीं लाता हूँ वो सब वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे काफ़ी ढेर सारे वाउचर्स वगैरह मिल चुके हैं यहाँ पे, अब सब कुछ हमें वॉलेट में मूव करना पड़ेगा। तो यही थी कुछ ऑप्शन जहाँ से आप निकाल सकते हो गाइज। अगर आपको निकालना है तो कम से कम आपको 2500 डायमंड तो देना ही पड़ेगा, 2500 तक का डायमंड्स का आप रख के चलो, आप अपने पॉकेट में रखो, तभी आपका जो है वो ये बंडल निकल पाएगा। तो चलो इस वीडियो के साथ आप बने रहो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।